जमशेदपुरवा आसपास के क्षेत्र में इन दिनों नशा का कारोबार फल फूल रहा है। युवा वर्ग नशे के आदि होते जा रहे हैं। ऐसे में जुगसलाई क्षेत्र में जुगसलाई समाज सुधार कमेटी और जुगसलाई थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर लोगों को नशा के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया। जिस तरह से पूरे शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे नशा एक मुख्य कारण रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की धर पकड़ की जा रही है। ऐसे में समाज के लोगों को जोड़कर पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जुगसलाई थाना अंतर्गत ईदगाह मैदान के समाज सुधार कमेटी और जुगसलाई थाना के थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से पूरे जुगसलाई क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जानकारी देते हुए जुगसलाई थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि युवा पीढ़ी नशे के जद में आकर लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नशे के चलते कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में जुगसलाई समाज सुधार कमेटी का निर्माण कर जुगसलाई क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक लोगों को जागरूक करने का विशेष अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में जुगसलाई थाना भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि नशे से संबंधित या फिर किसी भी अपराध से संबंधित सूचना जुगसलाई पुलिस को निडर होकर दिया जा सकता है। पुलिस सूचना देने वाले के नाम को पूरी तरह से गुप्त रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वहीं जुगसलाई के समाज सेवी मोहम्मद सुबेद आलम ने बताया कि जुगसलाई में नशाखोरी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और नशा की वजह से जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। जुगसलाई थाना क्षेत्र के प्रबुद्धगण जो समाज जुगसलाई समाज सुधार कमेटी नाम से कमेटी का निर्माण किए हैं, उस कमेटी के तत्वाधान में एक नशा मुक्ति उन्मूलन का कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी जुगसलाई पुलिस की मुख्य सहभागिता है, यहाँ के प्रबुद्धजनों की मुख्य सहभागिता है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो क्षेत्र में पनप रहे हैं अपराध, उसका मूल जड़ नशा है। तो नशा में जो ब्राउन शुगर का सेवन कर रहे हैं, गांजा का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक जागरूकता अभियान का संचालन यहाँ के लोगों के मार्फत किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा भी सहभागिता निभाई जा रही है। और ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम है और आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत ही सही सीख है कि नशा से बचें और समाज के सुधार में अपनी भूमिका निभाएं। सर, ऐसा देखा, मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए अपना मोबाइल नंबर जारी किया है और मैंने स्पष्ट कहा है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना अपने दे सकते हैं और उनकी सारी सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम किसी कीमत पे बाहर नहीं किया जाएगा और वे बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हैं और बेफिक्र होकर किसी भी तरह का कोई भी हो रहे अपराध की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। पूरा समाज से जितने भी चलाए गए समाज से भी समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग आज हम लोग इकट्ठा हुए और ये समाज के लोग हम लोग आपके एक अभियान निकाले हैं कि आज का बाद हम लोग जितना भी कोशिश होगा अपने तन मन धन लगाना पड़े लगाएंगे, समाज को सुधारना है, नशा हमको मुक्त सलाह से करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार उसके लिए। जिला पुलिस का क्या सहयोग रहेगा? हमारे जुगसलाई थाना प्रभारी श्री कुणाल जी आए थे, बोले कि हमसे जो भी सहयोग बोलिएगा हम आपके लिए 12 बजे 2 बजे रात तक के लिए खड़े हैं आपके सहयोग में। जैसा बोलिएगा आप लोग समाज के लोग नशा मुक्त के लिए जो भी कदम उनको उठाना पड़ेगा हम आप लोगों के साथ है। आप लोग जैसा कीजिए हम आपका साथ है। यानी ये मुहिम जो है लगातार लगातार चलते रहेगी जब तक हम लोग कोशिश जब तक हम लोग नशा को या जुगसलाई से खात्मा नहीं कर दे, ये हम लोग का ये अभियान चालू रहेगी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।